हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं करेले की भुजिया कैसे बनाई जाती है। गारंटी आपके बच्चे आपके मान के खाएंगे। सबसे पहले हम सरसों का तेल कढ़ाई में डालेंगे 250 ग्राम और फिर गैस ऑन करेंगे। हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें आधा किलो प्याज प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे तेल में। आप थोड़ी देर तक ये प्याज को चलाते रहिएगा। बनाने के एक घंटे पहले करेले में नमक मिलाकर रख दीजिए। करेला और प्याज आप महीन चॉप करिएगा। प्याज हमारी हल्की फ्राइड हो चुकी है, अब हम इसमें थोड़े से मसाले मिक्स करेंगे। एक से डेढ़ चम्मच हल्दी, नमक स्वादानुसार, करेला मिक्स करेंगे और थोड़े मसाले थोड़ी देर बाद डालेंगे। अब सबको हम एकदम मिक्स कर देंगे। अब हम इसको मिक्स करके थोड़ी देर ढक देंगे। थोड़े मसाले हम बाद में डालेंगे। मीडियम आंच में 30 मिनट पकाएंगे। आप इसको बीच बीच चलाते रहें। इसमें कुछ मसाले और पड़ेंगे, जैसे खड़ी धनिया, मेथी, सौंफ, कलौंजी। इसको हम तवे में भून करके मिक्सी में इसका पाउडर कुछ इस तरह से। आपको इसका पेस्ट बाजार में भी मिल जाएगा, मगर घर में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे करेले में हल्का हल्का कलर आने लगा है। जो हमने मिक्सी में पाउडर बनाया था, अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। लगभग 2 से 2.5 चम्मच। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। मसाले को अच्छे से पूरे में मिक्स करेंगे। इसको मीडियम आंच में 10 मिनट तक भून कर रखेंगे। अब हमारा करेला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसको सर्व करेंगे।
नहीं लग रहा है। अब हम इसको चपाती के साथ